हमारे सैनिकों ने इन हर चोटी के ऊपर अपने रक्त का वो आखिरी कतरा इन पहाड़ियों के लिए समर्पित किया। और मुझे याद आता है कि इस तोलोलिंग के ऊपर मेरी बटालियन 18 कैनेडियर्स ने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों की शहादत दी। फिर उसके बाद ये टाइगर हिल जो कि मेरे पीछे है, एक बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उनकी कुशल प्लानिंग और कुशल नेतृत्व से इस पहाड़ी के ऊपर जो चढ़ना भी नामुमकिन था, लेकिन हिंदुस्तान के सैनिकों के जोश, जुनून और जज्बे को। आप सभी को मालूम है, आज से 22 साल पहले यहाँ पर अचानक जो पाकिस्तान के फौजें आके जो हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे बैठ गया, उसको हमने यहाँ से धकेलना नामुमकिन था। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के फोर्स में ट्रेनिंग, जज्बा, इक्विपमेंट सब कुछ था। इस वजह से हमारे फौजों ने काम करते हुए पाकिस्तान के जितना भी घुस गया वो सारा उससे भी आगे हमने धकेला। मैं डॉक हिल पे अटैक किया था 26 जुलाई को, अटैक में 4 अटैक में था, लेकिन 6 जुलाई को जो अटैक किया था उसमें मेरा साथ 20 जवान था, जिसमें मेरा 4 जवान शहीद हुआ। पाकिस्तान का हमने 5 जवान मार गिराया था और एक सिपाही हुनर शाह हमने जिंदा पकड़ा। जो हम जा रहा था पहाड़ में जो अटैक के लिए, वो हम रोप फिक्स करते हुए गया था, बर्फ था, रात को पूरा चंद्रमा था उस वक्त 26 जुलाई में, पूरा दिन जैसा होता था। कुदरती हम बीच बीच में जो बदल आया, इस वजह से हम जैसे बदल में चांद छुप जाता था हम आगे बढ़ता था, तो उजाला होते होते ऊपर पहुंच गया, हमने दुश्मन को वहां से धकेल दिया आगे। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही कहना चाहता हूं, ये तो हर साल मनाना चाहिए ताकि लोगों का जो इस लड़ाई में जो शहीद हुआ उनके परिवारों को मतलब हौसला मिले, क्योंकि उनका बिल्कुल यंग उस वक़्त फौजी जवान यहाँ पे शहीद हुआ है, बच्चे छोटे छोटे था, किसी के पास तो प्रेग्नेंट था उस वक़्त, तो उनको अभी बताएगा तो उसका फाकेर होगा, उसको हौसला होगा। इसलिए ये हर साल मनाएगा तो इनके लिए बहुत अच्छा है, आगे फौज के लिए भी बहुत। देखिए 22 साल में काफ़ी कुछ चेंज हुआ। जब हमने 22 साल पहले यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी उस टाइम पे हमारे पास इतना ज़्यादा साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, हमारा जज्बा और हमारी ट्रेनिंग। उसके बलबूते पे हमने इस जो हमें टास्क था, जो हमारे जो एरिया था, उसको दुश्मन से हमने आज़ाद करवाया था। लेकिन आज का जो दौर है, आज के दौर में हमारे पास और काफ़ी हथियार नए आ चुके हैं और नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ चुकी है, तो अभी हमारे पास जो इस तरीके से अगर सिचुएशन आती भी है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में हमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। देखिए 22 साल हम हर साल यहाँ पे अपने जो शहीद सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे हर साल आते हैं, और हमेशा जब तक हम जीवित हैं हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पक्का आते रहेंगे। हाँ, वो चीज़ें तो याद आती हैं, क्योंकि हमने जब 22 साल पहले इन इलाकों पे जब अटैक किया था तो कुछ और था और आज के हालात कुछ और हैं, क्योंकि उस टाइम पे ना ही हमारे पास इतना क्लोथिंग होता था, ना इतना अच्छा। सबसे बड़ी बात थी कि हमारे लिए वो ऑपरेशन करना इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था हमारे पास, क्योंकि 2 से 3 महीने के लिए ये इलाका खुलता है, तो काफ़ी चुनौतियाँ थी उस टाइम पर। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो ट्रेनिंग हमारी थी, हम उस ट्रेनिंग के बलबूते पे उस टास्क को अंजाम तक पहुँचे।